हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूम टॉय। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जाके घंटी के बटन को दबा दो, जिससे आपको मेरे आने वाले टॉयज का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल पाए और आप उसको सबसे पहले देखने वाले व्यूवर्स बन पाए। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि होली काफी करीब आ रही है और मेरे पास काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कुछ होली से रिलेटेड कुछ चीजें लेके आओ। जैसे आपने बचपन में जैसे बलून फुला के पानी में फुला के फेंके थे, मैंने भी काफी ज्यादा फेंके थे। तो उनमें क्या होता है कि उनमें काफी ज्यादा मेहनत लगती थी, हमें पहले बलून्स को निकालो फिर पानी भरो फिर उसको बांधो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बलून्स हैं एकदम मैजिकल ऑटोमेटिक फूलने वाले बलून्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक साथ आप 37 बलून्स को फुला सकते हो। क्या बात कर रहे हो, 37, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए मैं उसको लेके आया और उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से फूलते हैं और होली में आप मजा ले सकते हैं बलून्स को लेके। दे धनादन भाम, मजा ही आ जाएगा, मुझे तो काफी मजा आने वाला है ये बलून को देख के। तो उसी को देखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए मैजिकल बलून्स। देख सकते हो आप इन सारे बलून्स को, यार कमाल धमाल मजाने वाले हैं और काफी गजब के हैं। और इनके अंदर 37 बलून्स है, 3 पीस में आते हैं, ये अभी हम एक ही पीस लेके आए हैं। तो ये जो हमें इसकी जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है, वो है हमें 30 रुपीज। क्या बात कर रहे हो, 30 रुपीज में मुझे कमाल की बलूनिंग मिल गई है। इसमें 37 बलून मिले हैं 30 रुपीज में, कमाल धमाल। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 37 in 60 सेकंड। मुझे खुद को यकीन ये कह रही है, इसका मतलब है कि 60 सेकंड के अंदर हम सारे के सारे 37 बलून को फुला सकते हैं। वाओ, इसको हमें चेक करना ही होगा कि किस तरीके से फूलते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में कुछ और क्या लिखा हुआ है, बंच और बलून इंक्लूडेड फिल, आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको किस तरीके से इसको फिल करना है, मेल्ट हंड्रेड्स ऑफ वाटर बलून्स, ये सारी चीजें। तो हमें इस तरह इसको जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। आपको इसकी प्राइस तो मैंने बता ही दी है कि मैंने इस बलून्स को, मैजिकल बलून को ऑफलाइन मार्केट में परचेस कराया है ओनली 30 रुपीज में, कमाल धमाल में जाने वाला है, गजब का है। और आज होली आ रही है तो आप मुझे और नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको होली के क्या क्या इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग चाहिए, तो मैं वो भी आपको लाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें होली के बलून्स को अनबॉक्स करना है, तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ से वाव 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 वाव, देख सकते हो आप, मुझे इसमें 37 बलून साथ में, यहाँ फिल्टर मतलब वाटर फिल होता होगा। तो क्या होता है कि यहाँ से जब वाटर जाता है तो सारी पाइप की नलियों में जाता है, वहां से बलून्स के अंदर। और एक बात और इसके अंदर खास है कि इसके अंदर जैसे ही आप वाटर फिल करोगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ धागे से इसको लपेटने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक लपटा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक रबर दे रखा है, देखिए। तो क्या होता है कि जैसे आप इसमें वाटर फिल करते हैं, यहाँ से हैवी होता है तो ये ऑटोमेटिक जगह यहाँ से नीचे आ जाता है, तो हमें उसको देखना होगा। साथ में देखिए नोजल दे रखा है, हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से इस तरीके से इसको लगा देते हैं, ये लग चुका है। अब हमारे पाइप हमारे नलों के अंदर इसको हम सीधे डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप इसको सटक से भी भर सकते हैं। तो अब हम इसको भर कर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये फिल होते हैं विद इन 30 से 60 सेकंड, और उसके पहला फिल हो जाते हैं क्या होता है। सो लेट्स गो, अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए अब क्या करना होगा, हमने यहाँ पे एक टब ले रखा, उसके अंदर कुछ वाटर हमने फिल कर दिया पानी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस नल में हम लगाएंगे हमारे बलून्स को, यहाँ से उसको फिल करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक वो एक के बाद एक अंदर टब के अंदर गिरते जाएंगे। तो लेट्स गो, अब हम बलून्स को फुलाते हैं। ये अब हम लगाने जा रहे हैं इसको नल के अंदर, देखिए ओ देख सकते हो ऑटोमेटिक मतलब जो है बलून्स फुल रहे हैं, वाटर जो है वो भी बाहर आ रहा है, देख सकते हो। देखिए आपको नीचे अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए हमारे बलून धीरे धीरे फूलते जा रहे हैं, जो जितनी नीचे जो डायरेक्ट थे, यहाँ साइड वाला भी उनमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे वाटर काफी स्लो आ रहा है, लेकिन वो भी फूल जाएंगे। तो 60 सेकंड तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा ही हो गया, मतलब कुछ कुछ फूल गए 60 सेकंड में, लेकिन बाकी अभी फूलना बाकी है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, ये धीरे धीरे काफी हैवी होता जा रहा है, जैसे जैसे इसके अंदर वाटर फिल होता जा रहा है ना, तो ये धीरे धीरे फूल फूल के काफी हैवी हो गया, इसका वजन अब मुझसे भी अब रुका नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इतना ज्यादा हैवी हो चुका है वो। लेकिन हमें क्या करें, हमें फुलाना तो है इसको, तो इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच। देख सकते हो वाटर धीरे धीरे जैसा फूल होता जा रहा है, वैसे वैसे बलून पानी के अंदर गिरते जा रहे हैं। देखिए एक और गिराया, 2 बलून हो चुके हैं वाटर के अंदर, इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बलून गिर जाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। देख सकते हैं जैसा कि हमने सारे बलून को फुका लिया, पूरा मेरा टब जो है वो पूरा बलून से भर चुका है। तो चलिए अब होली खेलते हैं, इनको नीचे जमीन पर फोड़ के बताते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखिए इनके अंदर यहाँ पे क्या है, देखिए ये देखिए यहाँ पे रबड़ लगा हुआ, तो ये क्या करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप, मतलब ये यहाँ से विदाउट मतलब आपको यहाँ पे बांधने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पैक हो जाते हैं। इसके अंदर नली रहती है, तो जैसे इसके अंदर वाटर फिल होता है ना,
तो ये हैवी हो जाते हैं, धीरे से नीचे खसक जाते हैं, जिससे जो इनकी नली रहती है वो नीचे गिर जाती है और ये ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने बलून्स को फुला लिया, अब हम इनको देखते हैं नीचे फोड़ के। वाह बेहतरीन यार, बेहतरीन बेहतरीन, मजा ही आ गया यार। क्या मतलब नीचे फेंकते सही मतलब फूट रहे हैं वो ये। हाँ ओह वाह, देखिए बरसात हो गई यार, काफी मजा आ रहा है मुझे इन बलून्स को फोड़ने में, पानी भर के यार कमाल का। तो आप भी इसको ट्राई करिए, काफी जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। हेलो गाइस, तो मुझे लगता है आपको मजा ही आ गया होगा, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया बलून्स को फोड़ने में, मारने में, उनको मजा आ गया। मुझे तो होली जैसा फील होने लग गया कि उनको पानी से भरो, अब हमारी काफी ज्यादा मेहनत बच चुकी है। जब उनको नल में लगाना है, यहाँ से ऑटोमेटिक वो फिल होता जाएगा और धीरे से यहाँ से पाइप से नीचे खसकता जाएगा। तो कमाल का मुझे लगा ये मैजिक बलून। अगर आपका, आई होप आपको भी पसंद आया होगा, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा छोटू सा, उसको भी दबा दो, जिससे कि मैं और ज्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे टॉयज के वीडियो लेके आ सकूँ। अभी होली है तो मैं काफी ज्यादा, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको होली की और ज्यादा टॉयज देखना है, तो मैं वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के इस वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉय के वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।